भूत होते हैं या नहीं, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। अगर आप भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। बता दें कि दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा रखते हैं। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं और भूतों पर बनी फिल्मों को देखते हैं। साल 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि अमेरिका में 46% लोग भूतों में विश्वास करते हैं। भूतों के बारे में बाइबल क्या बताती है? किसी खंडर में अंधेरा और फिर अचानक कोई टक टक की आवाज़। ऐसी परिस्थिति में डर लगने लगता है, बदन में झुरझुरी सी होती है। लेकिन यह डर आता कहाँ से है? डर या भय, इसका सामना हर इंसान करता है। क्या वाकई कोई चीज़ हमें डराना चाहती है या फिर ये हमारे दिमाग का भ्रम है? डर की भावना हमारे दिमाग से निकलती है, ऐसे भले ही कुछ पलों के लिए होता है, लेकिन इसके बाद इंसान के भीतर हलचल शुरू हो जाती है। सांस तेज चलने लगती है, धड़कन तेज हो जाती है, शरीर बेहद चौकन्ना हो जाता है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है और कुछ को बहुत कम। वैज्ञानिकों की माने हर व्यक्ति में भावनाओं का स्तर अलग अलग होता है, वैसे ही डर के मामले में भी होता है। कई लोगों के दिमाग में डोपामिन का रिसाव होने लगता है, जिसके कारण उन्हें डरावने माहौल में मज़ा आने लगता है, जबकि बाकी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अक्सर भूतिया कहानियां सुनने वाले, हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों के दिमाग में कुछ बातें बैठ जाती हैं। और जब भी हम कोई पुरानी इमारत देखते हैं जहां अंधेरा हो, आसपास कोई आबादी ना हो, वैज्ञानिकों के मुताबिक ज़्यादातर हॉरर फिल्मों से इमारतों को भूतिया बिल्डिंग के रूप में दिखाया जाता है। ये सारी जानकारी हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। ऐसी इमारत देखते ही हमारे दिमाग में हॉरर फिल्में की सारी घटना याद आ जाती है, डर पैदा हो जाता है और फिर से वही सारी चीज़ें होने लगती है। हम घबरा जाते हैं, हमारा दिल धड़कने लगता है। बाइबल बड़ी स्पष्टता के साथ यह शिक्षा देती है कि वास्तव में ऐसे आत्मिक प्राणी अस्तित्व में है जो हमारे संसार से संपर्क कर सकती हैं। बाइबल इन प्राणियों को स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं के रूप में पहचान करती है। स्वर्गदूत ऐसे आत्मिक प्राणी हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं और परमेश्वर की ही सेवा करते हैं। स्वर्गदूत धर्मी, भले और पवित्र हैं। आत्माएं गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, वे ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध विद्रोह किया। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 14-15 के अनुसार दुष्ट आत्माएं ज्योति के स्वर्गदूत और धार्मिकता के सेवकों के रूप धारण कर सकते हैं। एक भूत के रूप में प्रकट होना और एक मुर्दे आदमी के नाम पर काम करना, ऐसी शक्तियां उनके पास होती हैं। बाइबल हमें आत्मिक प्राणियों के बारे में स्पष्टता से बताती है। जो भी लोग दावा करते हैं कि हमने मरे हुए को देखा है, मरे हुए की आत्माओं को देखा है या उनके भूत को देखा है, तो वे असल में दुष्ट आत्माएं ही होती हैं जो उनके नाम से कार्य कर रही होती है। व्यवस्था विवरण 18 उसका 10-12, जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूतों का जगाने वाला हो, जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। बाइबल यह भी बताती है कि जो लोग भूत विद्या और उससे जुड़े हुए किसी भी काम में हिस्सा लेते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। क्या मरे हुए लोग जिंदा लोगों पर असर कर सकते हैं? सबोपदेश 9 उसकी 5 में लिखा है, जीवते तो जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। पहला शमूएल का अध्याय 28 कहता है कि कैसे राजा शाऊल, जो परमेश्वर का वफादार न रहा, उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर भूत विद्या से नाता जोड़ा। उसने भूत साधने वाली औरत की मदद से परमेश्वर के एक मरे हुए सेवक शमूएल से बात करने की कोशिश की। क्या सच में वह औरत शमूएल से बात कर रही थी? नहीं, वह असल में एक ढोंगी से बात कर रही थी जो मरे हुए शमूएल का ढोंग कर रहा था। वह ढोंगी दुष्ट आत्मिक प्राणी था जो शैतान यानी झूठ के पिता का एक दूत या साथी है। आखिर ये दुष्ट आत्मिक प्राणी क्यों इस सोच को बढ़ावा देते हैं कि मरे हुए कहीं ना कहीं जिंदा हैं? वे परमेश्वर की निंदा करना और उसके वचन बाइबल को झूठा साबित करना चाहते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारे पास मरे हुओं के लिए कोई आशा नहीं है? बिल्कुल नहीं।
क्या मरे हुओं से संपर्क करने की कोशिश करना गलत है, यह जानकर तसल्ली पाना चाहते हैं कि उनके मरे हुए अजीज कहीं तड़प तो नहीं रहे। इसलिए वे कहते हैं, क्यों ना हम भूत विद्या या तांत्रिक के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करें, हो सकता है ऐसा करने से हम उनके मन को शांति मिले और उनका चिंता खत्म हो जाए। बाइबल साफ साफ बताती है कि लोगों का मरे हुओं से बात करने की कोशिश करना कोई नई बात नहीं है, ऐसा लोग पुराने जमाने से ही करते आए हैं। बाइबल स्पष्टता से बताती है कि आत्मिक प्राणी होते हैं जो अच्छे और बुरे होते हैं, तो बाइबल इस विचार का इनकार कर देती है कि मरे हुए मनुष्यों की आत्माएं पृथ्वी पर ही रहती हैं और जीवित लोगों का पीछा करती हैं। इब्रानियों 9 उसकी 27 घोषणा करती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इसके मध्य में और कुछ भी नहीं। इस पृथ्वी पर आत्मा का एक भूत के रूप में रहने की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है।